अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फिर से दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की जो मुतालबात हैं उनकी अदम मंजूरी पर और गैर ज़रूरी ताखीर के खिलाफ 6 अप्रैल 2021 को दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। इतवार 4 फरवरी 2021 को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लाइज ग्रैंड अलायंस फेडरल का हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अलायंस में शामिल तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की और सूबाई तंजीमों के कायदीन को एतमाद में लेकर तय किया गया कि 10 फरवरी के तारीखी एहतजाज के बाद तयशुदा एग्रीमेंट में शामिल मुतालबात की अदम मंजूरी और गैर ज़रूरी ताखीर के खिलाफ 6 अप्रैल 2021 दिन 11 बजे को जो है वफाकी मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना देंगे, जबकि पंजाब और KPK के मुलाजमीन अपनी अपनी सूबाई असम्बली के सामने धरना देंगे। वाज़ेह रहे कि बलोचिस्तान के मुलाजमीन गुज़श्ता 7 रोज़ से पहले ही धरना दिए हुए हैं। फेडरल के तमाम मुलाजमीन मुकम्मल यकजहती के साथ 6 अप्रैल रोज़ मंगल दिन 11 बजे को पुरअमन तरीके से फेडरल सेक्रेटेरिएट ब्लॉक से रैली की सूरत में मार्च करते हुए पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचेंगे और मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज करेंगे और इसके साथ साथ धरना भी देंगे। ये कहना है सैयद मोहम्मद मेराज, मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लाइज ग्रैंड अलायंस फेडरल के हवाले से। ये थी ताज़ा तरीन अपडेट, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।